आईपीएल सीजन 16 में बेंगलोर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में केकेआर के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने शानदार बल्लेबाजी की। रॉय ने ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों में 56 रन बनाए और केकेआर को एक अच्छी और तेज तर्रार शुरुआत दी। जेसन रॉय का विकेट युवा तेज गेंदबाज विजय कुमार विशक ने लिया। आईपीएल 16 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां धोनी की नजरें पिछले हार का हिसाब चुकता करने पर होगी, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन सीएसके के खिलाफ जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे। ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात की जाए तो इसमें चेन्नई का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच में 27 मैच खेले गए हैं, जिनमें 15 में चेन्नई को और 12 मैचों में राजस्थान को जीत मिली है। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। घुटने में चोट के चलते मैदान से दूर चल रहे विलियमसन अगर वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए फिट नहीं हो पाते हैं तो वो न्यूजीलैंड टीम के साथ बतौर मेंटोर की भूमिका में जुड़ सकते हैं। इस साल के अंत में भारत में खेला जाना है वनडे वर्ल्ड कप। आईपीएल के पहले मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे केन विलियमसन। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर दिया बड़ा बयान। सुनील गावस्कर के मुताबिक रोहित शर्मा को आईपीएल से ब्रेक ले लेना चाहिए। गावस्कर ने कहा, रोहित काफी परेशान दिख रहे हैं और उनके दिमाग में आईपीएल के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में भी चीजें चल रही हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और फिर फ्रेश होकर वापसी करनी चाहिए। आईपीएल सीजन 16 में अब तक खामोश रहा है रोहित शर्मा का बल्ला। इंग्लिश खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो ने मैदान पर की धमाकेदार तरीके से वापसी। चोट के बाद मैदान पर उतरते ही बेयरस्टो ने खेली 88 गेंदों में 97 रनों की पारी। आपको बता दें कि चोट के चलते जॉनी बेयरस्टो इस साल आईपीएल में भाग नहीं ले रहे थे। उनके ना होने से पंजाब किंग्स की टीम इस वक्त बेहद ही कमजोर नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बेयरस्टो फिट हो गए थे तो क्या वो आईपीएल में नहीं खेल सकते थे? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे जोफ्रा आर्चर की बीच सीजन में सर्जरी हुई है। जोफ्रा आर्चर सर्जरी के लिए बेल्जियम गए थे। आपको बता दें कि जोफ्रा आर्चर की उन्हीं में चोट लगी थी और उसकी उन्होंने सर्जरी कराई है। सर्जरी पूरी तरह से सफल रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्चर राजस्थान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत वनडे वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं। पंत को पूरी तरह से फिट होने में कम से कम 7 से 8 महीने का समय और लग सकता है। वर्ल्ड कप के साथ साथ एशिया कप भी मिस कर सकते हैं ऋषभ पंत। इन दोनों बड़े टूर्नामेंटों में टीम इंडिया को खलेगी ऋषभ पंत की कमी। अब देखना होगा कि कौन लेगा टीम इंडिया में ऋषभ पंत की जगह। अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाज राशिद खान ने इस वक्त आईपीएल सीजन 16 में तहलका मचाया हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए राशिद खान ने इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। राशिद खान पर्पल कैप की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं। राशिद ने अब तक 14 विकेट झटके हैं, तो दूसरे नंबर पर हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अभी तक 13 विकेट झटकाए हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के फैन हो गए हैं। आकाश का कहना है कि हार्दिक की कप्तानी में लगातार सुधार हो रहा है। आगे बोलते हुए आकाश ने कहा कि हार्दिक पांड्या अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और साथ ही वो अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छे कप्तान की निशानी है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 55 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी इमरान ताहिर ने विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। इमरान के मुताबिक विराट आरसीबी टीम के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनको आने वाले मैचों में बड़ी पारी खेलने को देखना चाहिए। साथ ही इमरान ताहिर का कहना है कि फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के बीच अच्छी पार्टनरशिप होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि विराट कोहली इस साल आईपीएल में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं।